तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और देखो, हम हो गए हैं तैयार, जूते वूते पहन के, जैकेट पहन के। बुआ भी हो गई है तैयार, और अब हम जा रहे हैं मंदिर को। कहाँ जा रहे हैं बुआ हम? पहले कसार देवी, पहले हम जा रहे हैं कसार देवी, और यहाँ से जाएंगे बाइक में। पहले गाड़ी तक दिखाते हैं आपको, गाड़ी कहाँ खड़ी है आज। तो चलिए बाइक पर जाके मिलता हूँ आपसे। ये है बाइक, इसमें जाना है हमने, और यहाँ से रास्ता है, और ये घर है बुआ लोगों का। तो चलिए बाइक में जाते हैं गाड़ी के पास, फिर मिलते हैं आपसे। जी, अपनी बाइक हो गई पार्क, और सामने का व्यू देखिए आप। क्या है, कहाँ जा रहे हो? वहाँ ये सब पार्किंग है, यहाँ हमारी बाइक, हमारी गाड़ी उधर को पार्क है। और वो देखिए व्यू, व्यू कितना तगड़ा आ रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं हिमालयस। तो गाइस, ये हम वापस निकल गए हैं पार्किंग से। निकल के हम जा रहे हैं अब हल्द्वानी वाली रोड की ओर को। आगे से कटेंगे हम कहीं से कसार देवी के लिए, क्योंकि आगे से तो रास्ता बंद है। आगे से रास्ता बंद है तो वहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए यहीं से जाते हैं। और बाकी आपको व्यू दिखाता हूँ हिमालयस क्या दिख रहे हैं यार, वो देखो क्या व्यू आ रहा है। अभी इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अभी कसार देवी पहुँचेंगे फिर आएगा व्यू तगड़ा। और बाकी हम बाइक से शिफ्ट हो गए अब गाड़ी में। हेलमेट सब रख दिया है पीछे ना, हेलमेट रख दिया है ना। तो चलिए मिलते हैं आगे जाके, जहाँ से रास्ता कटेगा वहीं से दिखाते हैं आपको फिर। तो गाइस, ये आ गया यहाँ पर कट, यहाँ से हमने ले लेना है लेफ्ट। कितनी जल्दी हो रही है इस गाड़ी वाले को और इन दोनों को भी। यहाँ से हमने ले लेना है लेफ्ट कसार देवी के लिए, और राइट को लेंगे तो वापस जाएंगे हल्द्वानी को। ये गया हल्द्वानी को और ये गया कसार देवी के लिए। ये रास्ते से तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। जी, हम पहुँच गए धारा नौला में, और ये जाम लगने लग गया देखिए अभी से, क्योंकि आज एक तो भीड़ भी होगी अच्छी खासी मंदिर में। जाम देखिए, वहाँ तक दिख रहा है जाम, अच्छा खासा जाम है। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। 3 बजे तक वापस भी आना है, तो जल्दी जल्दी चलना था। अब यहाँ जाम लग गया है। वैसे मगर ऊपर से जाते तो तब भी जाम मिलता, तो हम उधर से क्यों नहीं गए थे? मुझे क्या पता, फिर यहाँ ऐसे जाम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है जाम से निकलने में। गाइस, हमें मेन धारा नौला पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी जाम में ही फंसे पड़े हैं। जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा, दिखाता हूँ आपको। देखिए पूरा जाम ही लगा पड़ा है अभी भी, और ये मेन धारा नौला और घर देखिए कहाँ कहाँ तक दिख रहे हैं ऊपर तक। गाइस, ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है आगे, क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहा है पूरा। जहाँ तक देखो सब पहाड़ी पहाड़ है, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आज। धूप अच्छी खासी निकली, सीधे ही जाना है ना वो। ये देखिए सामने पहाड़ कितना अच्छा है लग रहा है। गाइस, आपको यहाँ से दिखाता हूँ अल्मोड़ा की खूबसूरती। ये देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर, ये देखिए रोक के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पूरा अल्मोड़ा शहर है, देखो कितना डेंस है, कितना ज़्यादा डेंस है। और इतना ही उस साइड भी है इसके, इस पहाड़ी के उस साइड भी उतना ही है, और इस साइड भी उतना ही। और वो ऊपर दिख रही है जेल की दीवार, यहाँ अल्मोड़ा जेल की दीवार है, देखिए वो जो दीवार दिख रही है वहाँ पर, ये जो दीवार है। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये पहाड़, ये भी, ये क्या है बुआ यहाँ पीछे, ये कहाँ पर? ये देखो, ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा ऑडिटोरियम बना रखा है। तो चलिए चलते हैं आगे को। अंदर से लगता है कि ये और ये स्कूल, सरकारी स्कूल। तो अब जाते हैं, कहाँ जा रहे थे हम? भूल गए, कसार देवी। उसके बाद दिखाते हैं आपको कसार देवी से व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा है। और गाइस, ये हम पहुंच गए अल्मोड़ा के जू। ये ऊपर फेंसिंग जो दिख रही है आपको, ये जू की फेंसिंग है। अभी हम इसके मेन गेट पे तो नहीं जाएंगे, अभी मैं कोशिश करूंगा कल या कभी जू दिखा दूं। ये देखिए पूरा जू का ही इलाका है। इंडिकेटर अब जला रहा है कथा। ये देखिए, ये पूरा जू का इलाका है ऊपर। तो कोशिश करूंगा अगर कल हुआ टाइम मेरे पे, तो मैं यहीं आ जाऊंगा, नहीं तो जू। ये देखिए, तो गाइस ये हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, और यहाँ
यहाँ से ऊपर को, और ये देखिए यहाँ से हमने जाना है ऊपर को। ये भाई क्या कर रहा है, और यहाँ से व्यू देखिए क्या आ रहा है, हिमालयस का व्यू कितने मस्त दिख रहे हैं। ये ऊपर हो तो ऊपर हो दिखते होंगे क्या यहाँ से ना, ये देखिए सामने हिमालयन रेंज बहुत ही प्यारा दिख रहा है। पैदल होगा वहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए भीड़ मंदिर में, बहुत भीड़ है, तो चलिए जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मंदिर और सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं फिलहाल, देखिए और भीड़ दिखाता हूँ आपको कितनी है। ये देखिए भीड़ कितनी है यहाँ, हर जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत भीड़ है। और वहाँ से है मेन रास्ता, हम जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट, तो चलिए पहले ऊपर चढ़ जाता हूँ, सांस फूल रही है क्योंकि, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस ये देखिए भीड़ कितनी हो रही है, मंदिर पहुँचने वाले हैं, लेकिन भीड़ अच्छी खासी है, बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है, हर जगह भीड़ ही भीड़। नीचे को भी देखिए, एक मंदिर ये है यहाँ पर, एक मंदिर ऊपर है, हम जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर में, भोलेनाथ जी के मंदिर में, चलिए देखते हैं। और यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा, और वो देखो कहाँ बैठे हुए हैं पत्थर पे। तो गाइस हम पहुँच गए मंदिर पे, मंदिर पे है भीड़ बहुत ज़्यादा, ये देखिए भीड़। हमने ऐसे ही दर्शन कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, थोड़े से दर्शन करके अब थोड़ी रील वील बनाते हैं, देखते हैं कहीं बड़ी ऐसी जगह लोकेशन रील बनाते हैं। फिर मंदिर से आ गए हैं वापस, बहुत भीड़ हो रही तो हमने दर्शन करे भारी बाहर से, और आ गए वापस। अब आपको दिखाते हैं हिमालय व्यू, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ से आपको दिखाते हैं हिमालय व्यू, गाड़ी रोक के वहाँ से बढ़िया वीडियो बना के फिर दिखाऊँगी हिमालय व्यू। और भीड़ तो बहुत है यार, हद से ज़्यादा भीड़ है आज, और मन प्रसाद भी ले आए, बेयर घर से लाए थे चढ़ा दिए, तो चलिए जाते हैं हिमालय व्यू पे। गाइस ये कसार देवी का मेन गेट आ चुका है, हम लोग दूसरे रास्ते गए थे, मेन गेट है ये, ये देखिए यहाँ जो ऑरेंज गेट है यही है कसार देवी का मेन गेट। और सामने से व्यू देखिए यार आप, व्यू तो भाई सब कुछ अलग ही है यहाँ का। अरे जा ना भाई, निकल जा, कोई इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत प्यारा है। और ये डोलमा रेस्टोरेंट आ गया, और यहीं से ऊपर तो है ना वो, कौन सा कसार जंगल, हाँ रिजॉर्ट यहीं से ऊपर है ना, हाँ बहुत प्यारा भी। तो गाइस ये वो हमको कहीं रेस्टोरेंट लेके जा रही है, पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट लेके जा रही है, ऐसे रेस्टोरेंट मिला ना मिला, मेरे को लग रहा है यहाँ से व्यू तो तगड़ा मिल जाएगा, जहाँ तक लग रहा है मुझे रास्ते को देखकर कि व्यू अच्छा मिल जाएगा। और ये रास्ते में तो कहीं गाड़ी घूमने का भी नहीं दिख रहा मुझे, और व्यू तो दिख ही रहा है यहाँ से फिलहाल। वो ये हम कहाँ जा रहे हैं, यही है रास्ता, तो बैक कर लेगा, हाँ हाँ चलानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं, कहाँ है। अभी ये हो गई थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, थोड़ी सी क्या तगड़ी ऑफ रोडिंग है, पत्थर ही पत्थर है यहाँ, पता नहीं कहाँ लेके जा रही है बुआ है। व्यू के चक्कर में देखो व्यू कितना प्यारा आ रहा है, रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कहीं तो आए, लेकिन यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है, कितने बढ़िया दिख रहे हैं हिमालय, देखो कितने बड़े दिख रहे हैं, कितने बादल हैं उनके ऊपर, देखो यहाँ को वो सोलर प्लांट लगा हुआ है शायद से नीचे, है ना, कहाँ से तो हो गई गुगली, वो दूसरी जगह ले गई थी वो हमको, अब हंस रहे हैं देखो गुगली करके हमारी, अब जा रहे हैं देखते हैं कहीं
व्यू वहाँ से भी अच्छा था, लेकिन अब बादल आ गए ना हिमालयाज में तो उतना क्लियर दिख नहीं रहे हैं, बादल ज़्यादा दिख रहे हैं। देखते हैं क्या पता कहीं से दिख जाएं साफ, तो देखते हैं। तो चलिए हिमालय को ढूंढते हैं हम, फिर दिखाते हैं आपको हिमालय ढूंढ के। रेस्टोरेंट में आए हैं, रेस्टोरेंट कहो कुछ कहो, यहाँ बाइक से एक्सपीरियंट के लिए हैं। देखिए अगर किसी को लेनी हो तो कसार देवी पे ही है। और बाकी आगे से व्यू उनके पास टावर आवर भी है, तो व्यू अच्छा था, तो मैंने कहा यहीं कुछ चाय वाय पी लेते हैं, लेमन टी या कुछ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से व्यू हिमालयाज दिख रहे हैं पूरे, और ये रहा रेस्टोरेंट का व्यू। तगड़ा है यहाँ से भाई। गाइज हमने खाने के लिए मंगा रखा है, ये है सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, सॉस। आइस टी अभी आई नहीं है, ताज़ा ताज़ा बन रहा है तो देर लग रही है आने में। और बाकी यहाँ से व्यू एंजॉय करते हुए हिमालयाज का, ये देखिए हिमालयाज का व्यू एंजॉय। ये बादल लग गए तो आपको इतने साफ दिख नहीं रहे होंगे। हिमालयाज का व्यू एंजॉय करते हुए यहाँ चल रहा है नाश्ता सैंडविचेस का, तो चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज हमारे हमारी पार्टी में एक और जना आ गया, देखो ये देखो हमारी, हमसे ब्रेड मांगी इसने और लेके चल दिया मुंह में ब्रेड अटका के। यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से भी व्यू देखो कितना प्यारा है। ये एक और आ गया, हाँ भाई दो दो जने तो अपनी आ गई आइस लेमन टी नज़ारे के साथ। सैंडविच तो हमने खा लिया है, बुआ ने एक पी लिए, एक और नाक बहने लग गए आइस टी पी के, बर्फ़ अभी भी बची है उसमें। तो अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे को, यहाँ से यहाँ बैठे हुए थे ऊपर, ये देखे चबूतरे में, तो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं नीचे को, आपको दिखाता हूँ रास्ता कैसा है। पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए, पहले हम वो वहाँ कुर्सी में बैठे थे, फिर हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, फिर हम यहाँ से सीधे वहाँ चले गए ऊपर वाले में, लेकिन वहाँ व्यू सबसे अच्छा वहीं था। और जगह भी अच्छी है, देखिए बहुत प्यारा है यहाँ से भी। और यहीं बाइक वाइक भी रेंट के लिए बहुत हैं, देखो। चलिए बिल बिल बनवाते हैं, फिर बता दें कितना बिल आया, क्या क्या था। तो गाइज अपना आ गया बिल 720 रुपए का, लेमन टी 405 की, स्प्रिंग रोल 190 का, ग्रिल सैंडविच 125 का। ये है वो नाम इसका, अभी मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, नाम मैं भूल गया क्योंकि क्या है इसका। और बहुत प्यारी जगह है, व्यू बहुत अच्छा है, रूम्स वूम्स भी मिल जाएंगे यहीं, तो बहुत बहुत प्यारा है। और नाम इसका भी आगे से देख के बताएंगे क्या है करके। अभी हमारी गाड़ी फ़िलहाल यहाँ खड़ी है, देखिए ऊपर ही ले आया था मैं, वो मेन गेट है इसका, कसार देवी से आगे जाके मिल जाएगा आपको भी। चलिए गाड़ी बैक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या जगह का नाम इसका है। मोक्ष नाम भी बहुत अच्छा है, देखिए मोक्ष नाम है इसका। आज हमने खाया भी कहाँ, मोक्ष में, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारा खाना। और मतलब जगह, मेन चीज़ तो यह है कि जगह में मज़ा आ गया भाई साहब, जगह एकदम ज़बरदस्त। आ जाओ बैठ जाओ, मोक्ष नाम है इस जगह का, तो अगर आप कसार देवी आते हैं तो मस्ट विजिट मोक्ष, बहुत प्यारी जगह है, रूम्स भी अवेलेबल हैं और आपका खाने का तो है ही। देखिए द मोक्ष रिट्रीट, बहुत प्यारी जगह है, मेन रोड से ऐसी, ये मेन रोड जा रही है, ये रोड कहाँ को जा रही है, उधर को किधर को हैं, आगे को गैराड वैराड को जा रही है रोड, ये आया कसार देवी का रास्ता। और थोड़ा सा आगे आके कसार देवी से आधा किलोमीटर होगा ना, ये आधा पौन किलोमीटर होगा, मस्त विजिट जगह है। मेन चीज़ यहाँ की ये है कि लोकेशन बहुत प्यारी है, मेन चीज़ लोकेशन, मज़ा आ गया लोकेशन में, बहुत प्यारी लोकेशन थी। तो चलिए अब चलते हैं घर को, फिर कल देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में लगाने, जो कि रघुनाथ सिटी मॉल के पास, मतलब पास नहीं उसी में है, तो वहीं को जा रहे हैं हम सीधे। ब्लॉग में यहीं एंड करता हूँ, तो अगर पसंद आया आपको कसार देवी का टूर तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।